नेंका कोई पार्टी नहीं है बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में बसती है। ये बात आज नेंका नेता व एमपी हसनैन मसूदी ने कही। उन्होंने कहा कि नेंका चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे भी सरकार द्वारा ये कहा गया था कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया के बाद चुनाव करवाए जाएंगे और हो सकता है कि साल के अंत तक चुनाव हों। के बारे में सिर्फ प्रयास आ रहे हैं। अभी वजीर दाखिला साहब ने पार्लियामेंट में ये इंडिया दिया कि जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट मंजरेआम पर आ जाएगी उसके बाद जो रोल्स का रिविजन होगा जो कि तकाजा है जो इस बारे में जो भी कानून है तो उसके बाद आल पार्टीज मीटिंग में फिर तय किया जाएगा इलेक्शन की तारीख तय की जाएगी या लेकिन उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। हाँ इवेंट्स का उन्होंने जिक्र किया तो उनको नज़र में रखते हुए ये कयास आ रही है कि कोई साल के आखिर तक इलेक्शन का मुमकिन है एहतमाम किया जाए। बाकी क्या है हतमी सूरत हाल क्या होगी क्या नहीं होगी उसके बारे में कोई कह नहीं सकता है। हमें तैयारी किया नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ी एक कोई सियासी तंजीम है, ये तो एक तहरीक है दिलों में बसी है, ये तो रघुजान का हिस्सा है, ये तो खून उसके खिलाफ दौड़ रही है जम्मू कश्मीर के आवाम की। ये थोड़ी आज की तंजीम है जो कल मौर्य वजूद में आई है, इसने अवामी खिदमत की है पिछले 70 साल से। यही वो तंजीम है जिसने सूदखारी से नजात दी आवाम को, जिसने यहाँ पर 10 लाख कनाल के करीब जमीन तकसीम की बेजमीन में लैंड टू टिलर का प्रोग्राम चलाया। तो हमारी क्या तंजीम, हमें तो सिर्फ आना होता है मैदान में। आपने नहीं देखा DDC इलेक्शन में नहीं कोई मंशूर शाया हुआ, नहीं कोई अपील हुई, नहीं वोट डालने के लिए कोई कहा गया, लोगों ने खुद पर खुद किया। ये तो बसा है ना लोगों के दिल में बसी है तंजीम, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अभी जो जैसे मोहतरमा मिली है दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद ही कहा कि ये निजी मुलाकात थी या तो एक पर्सनल एक कट सी का थी। उसके बाद जो भी कुछ होगा वो मंजरेआम पर आ जाएगा आने वाले दिनों में और आपको भी मालूम होगा, सबको मालूम होगा। और क्या हमारा मंशूर पहले से ही है, देखिए यहाँ का तशक्कुस, यहाँ के लोगों के ज़मीनों पर हुकूक, यहाँ के लोगों का हक, यहाँ की जो रोज़गार है उस पर, जो वसाइल है उन पर, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम लोगों के साथ हैं, अवाम के साथ हैं और अवाम के हकूक का ही हम उनकी तर्जमानी करते हैं। यही हमारा प्रोग्राम होगा, हमेशा रहा है ये प्रोग्राम, हमेशा हमने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम तो मुल्क के साथ हैं, लेकिन मुल्क के साथ होने के साथ साथ हम अवाम के साथ हैं। देखिए आज सांबा में आवाज़ें उठ रही है, कठुआ में आवाज़ें उठ रही है, भाई वसाए लिए जा रहे हैं, भाई नौकरियाँ छीनी जा रही हैं, तो हम तो वहाँ के अवाम की भी तर्जमानी करते हैं। ये तो हम पहले से ही संघर्ष जो कि जन है उसकी तर्जमानी की है, आज भी हम लद्दाख जम्मू और कश्मीर के अवाम की तर्जमानी करते हैं, उनके हकूक की बात करते हैं, तशक्कुस की बात करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, नहीं हम किसी के खिलाफ बोलना चाहते हैं। हमारा जो भी मुतालबा है वो हवाम के मकासद की उनके जो हुकूक है उनके हवाले से। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।